ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। पीएमजी फर्जीवाड़े मामले की जांच कर रही सीबीआई एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। सीबीआई ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि साल 2006 से साल 2010 तक ऐसे कितने छात्र हैं जो संदेह के घेरे में थे और इस समय विधि के दौरान कौन कौन डीन रहा है जो छात्र संदेह के घेरे में थे, उन पर प्रबंधन द्वारा क्या कार्रवाई अब तक की गई है। बताया जाता है कि व्यापम फर्जीवाड़े मामले में सत्र 2006 से 2010 तक मेडिकल कॉलेज के 133 छात्रों का नाम संदेह के घेरे में था। इन नामों के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सभी छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया था। आपको ये भी जानकारी दे दें, उनमें से 65 छात्र ऐसे थे जो कोर्ट की शरण में चले गए थे और जांच पूरी होने तक उन्होंने पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। असल में वो जो डीन से जानकारी तो उन्होंने सीबीआई ने अपने आप अलग से उनसे बात की है, क्योंकि कई डीन तो यहाँ ग्वालियर में है भी नहीं। जो डीन ग्वालियर में मौजूद है उनसे वो पहले ही ले चुके हैं जानकारी, और जो अन्य शहरों में पदस्थ हैं इस वर्तमान में उनसे वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर सीबीआई उनको कॉन्टेक्ट करके उनसे जानकारी ले रहे हैं।